इस देश में सब कुछ चोरी होता है पर किताबें कभी चोरी नहीं होती। किताबें तो हक से मांगी जाती हैं लौटा देने के वादे के साथ जो कभी पूरा नहीं होता। वाओ फैक्ट दिखाइए जरा नीचे कमेंट्स दिखाइए। सर ये किताब चोरी की है या हक से मांग के लाए हो? सर आप तो किताब की बात कर रहे हो, हमारे पड़ोसी चीनी मांग के ले जाते हैं और कटोरी भी नहीं लुटाते। और दिखाइए। ये तो जरूर किताब पढ़ रहे होंगे लेकिन मेरे पापा किताब में मोबाइल रख के चैट करते हैं ताकि मम्मी से डांट ना पड़े। और दिखाइए। आयुष्मान भाई आप पोलैंड में हैं, एक बात बताओ वहां का भालू सफेद क्यों होता है? उसने रिप्लाई किया, अरे ठंड में भालू सफेद हो जाता है। फिर रिप्लाई है, मैं नहीं मानती, मेरा पति तो ठंड में काला पड़ जाता है। और दिखाइए। सर जब पोलैंड में लैंड खरीदने जाओ तो साथ में पो भी खरीदना पड़ता है। वाह वर्ड प्ले किया बंदे ने। और दिखाइए। चाय पे सिनेमा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं और मेरे प्रोडक्शन डिजाइनर। प्रोडक्शन डिजाइनर तो हम लोग सर किनारे बैठ के चाय पी रहे हैं, देख के कुछ और लग रहा है शायद। नहीं नहीं आइए नीचे कमेंट पढ़ते हैं। चाय पी रहे हैं। चाय पे सिनेमा, चाय पे चर्चा। एक्टर ज्यादा पैसे मांग ले तो प्रोड्यूसर ऐसे ही गरीब बनने की एक्टिंग करता है। ये पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, चाय से जैसे ही प्रेशर बनेगा पीछे दीवार कूद जाएंगे। सुबह सुबह ठेकेदार का वेट करते हुए दो दिहाड़ी मजदूर। और आगे दिखाइए। मैं भी ऐसे ही बैठ के ट्रेन के डब्बे गिनना करता था। रिप्लाई भी आया, अब तू कौन सा एसपी लग गया? अब भी दूसरों की फोटो पे कमेंट ही कर रहा है। और दिखाइए। ढल गया दिन हो गई शाम। ब्यूटीफुल पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए इसके नीचे। जूते बड़े अच्छे हैं वाले। थैंक यू सर। ऐसे व्हाइट पैंट के साथ कच्छा भी व्हाइट पहनना पड़ता है वरना रंगीन कच्छा तो अंदर से दिखाई देता है। ये कैसा टेक्निकल बंदा बैठा हुआ अभी। ढल गया दिन हो गई शाम, चलो कर ले जाम का इंतजाम। उसको किसी ने रिप्लाई किया, इनका तो है फिल्मों में बड़ा नाम, दो पैसे घर आए तू भी कर ले कोई काम। मेरे दोस्त की परसों हल्दी की रस्म है, आपका पीला जूता मुझे मिल सकता है? मुझे हल्दी में पहन के जाना है। और दिखाइए। एटीट्यूड कम नहीं करने का। जकास से कहाँ की फोटो है? ये दुबई की है, वहाँ बड़ा बढ़िया रेस्टोरेंट है। कहाँ पे? मस्ती रेस्टोरेंट लामेर में। मस्ती रेस्टोरेंट? आप क्या करने गए थे उधर? खाना खाने। वेट कर, नाम पढ़ के गए थे कि मेन्यू देख के गए थे आप? बहुत बढ़िया खाना है। तो फिर प्लेट में क्यों नहीं है? आ रहा है ना, उसी का तो वेट। अच्छा, आ रहा है, एटीट्यूड इसीलिए तो दे रहा हूँ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं फिर। एटीट्यूड चाहे कम ना करो लेकिन कम से कम ऑर्डर तो करो। डायरेक्टर के एटीट्यूड से ही समझ आ जाता है कि इनकी पिछली फिल्म हिट रही है। खाना खाने के बाद जब बिल आता है तब मेरे दोस्त भी ऐसे इधर उधर देखने लगते हैं। और दिखाइए। लगता है ये मेन्यू बोर्ड पे सबसे सस्ती सब्जी ढूंढ रहे हैं। आए तो ये डेट पर थे लेकिन इन्हें कोई पहचान वाला दिख गया इसलिए इधर उधर देख रहे हैं। और दिखाइए। ओह मैन कमॉन, कभी लिखता है गुड मॉर्निंग सुप्रभात। जनवरी सबसे खूबसूरत महीना होता है मुंबई में। द नेटिव्स मे थिंक इट्स टू कोल्ड पर ये चंडीगढ़ का लड़का सह सकता है, इट्स लाइक अर्ली नवंबर ऑफ द नॉर्थ। बिल्कुल फैक्ट है ये। दिखाइए नीचे कमेंट्स। शादी के कितने भी साल हो जाएं, पड़ोस में कोई सुंदरी आ जाए तो बंदा ऐसे ही देखने लगता है। मेरी वाइफ जब मॉर्निंग टी बनाती है तो मैं बालकनी में आके गमले को पिला देता। और दिखाइए। इस कप में पक्का रम होगी।
जनवरी की ठंड में इतनी गर्मी सिर्फ रंग से ही आती है। वाह भाई, मैं पीता ही नहीं हूँ। ऐसा ही धारी वाला कच्छा मेरे दादाजी के पास भी है। और आगे दिखाइए। Wow. Always been a biker at heart. Wow, sir. चला लेते बाइक। और टॉल क्लेम। हाँ ये वाली। दिखाइए नीचे कमेंट्स। किसी ने कहा है गाड़ी उतनी ही बड़ी लें जितना पेट्रोल भरा सके। लगता है रोहित शेट्टी अपनी फिल्म के लिए सारी गाड़ियां ले गए, इनके पास यही बची है। अनुभव भी लाइक भाई, तुमने 20 रुपए में 2 चक्कर बोला था, 1 लगवा के ही छोड़ दिया। यार क्यूट है कमेंट ये, वेरी क्यूट। हाँ बच्चे ऐसा करते भी, 1 चक्कर और। हाँ एक और दिखाइए। सर 150 रुपए और मिलाते तो बगल वाली 4-व्हीलर भी आ जाती। एक्टर सारा पैसा ले गया, मेरे पास यही बच्ची है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.